नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल। बॉलीवुड में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी ऐसी है जिन्हें देखकर लगता है कि भगवान ने उन्हें एक दूसरे के लिए बनाया हो। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की जोड़ी फिल्म ही नहीं रियल लाइफ में भी उतनी ही जबरदस्त है। लेकिन हाल ही में दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि धर्मेंद्र को अपनी गुस्ताखी के लिए हेमा से माफी मांगनी पड़ी। क्या है धर्मेंद्र हेमा के बीच की माफी की ये कहानी, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कुछ दिन पहले संसद में सफाई अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें एनडीए के तमाम नेताओं ने संसद परिसर में झाड़ू लगाई। लेकिन इस सफाई अभियान में फिल्म अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने जिस हवा हवाई अंदाज में शिरकत की, उसके बाद वो सोशल मीडिया के निशाने पर आ गई। हेमा के इस हवा हवाई झाड़ू का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ाया गया। लेकिन हेमा के इस वीडियो पर धर्मेंद्र ने भी मजाकिया अंदाज में कमेंट कर दिया। फिर क्या था, हेमा को धर्मेंद्र का ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो नाराज हो गई। इसके बाद धर्मेंद्र ने ट्वीट कर हेमा मालिनी से माफी मांगी और वो भी हाथ जोड़कर। अपने मजाकिया अंदाज के लिए मशहूर धर्मेंद्र ने हेमा से माफी भी बड़े दिलचस्प अंदाज में मांगी। धर्मेंद्र ने ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो हाथ जोड़कर नीचे बैठे हैं। इस तस्वीर पर कैप्शन में लिखा, कुछ भी कह बैठता हूँ, कुछ भी की भावना को कुछ भी समझ बैठते हैं यार लोग, कुछ भी किया बात झाड़ू की भी, तौबा तौबा कभी ना करूंगा, हमका माफी दे दो मालिक। संसद परिसर में सफाई अभियान के दौरान हेमा मालिनी ने भी झाड़ू लगाया। कंधे पर बैग और काला चश्मा लगाए हेमा जिस तरह से झाड़ू लगा रही थी, उससे कूड़ा तो साफ होना दूर, धूल भी नहीं उड़ पा रही थी। उनके झाड़ू ने एक बार भी जमीन को ठीक से नहीं छुआ। आधे से ज्यादा वक्त तो उनका झाड़ू हवा में ही लहराता रहा। तस्वीरों से साफ समझा जा सकता था कि हेमा को झाड़ू लगाना आता ही नहीं था। उन्होंने झाड़ू भी सिर्फ मीडिया कैमरों की वजह से ही ले रखा था। इस वीडियो के बाद तो हेमा को बुरी तरह ट्रोल किया गया। कई लोगों ने कहा कि इस तरह झाड़ू लगाकर हेमा खुद का ही कचरा कर रही हैं। तो एक शख्स ने धर्मेंद्र से पूछ ही लिया कि सर, मैडम ने कभी झाड़ू लगाया है क्या? इस सवाल के जवाब में धर्मेंद्र ने ऐसा जवाब दिया जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। धर्मेंद्र ने सवाल का जवाब देते हुए लिखा, हाँ फिल्मों में मुझे भी अनाड़ी लग रही थी, मैंने मगर बचपन में अपनी माँ का हमेशा हाथ बटाया है, मैं झाड़ू में माहिर था, मुझे स्वच्छता पसंद है। आपको बता दें कि हेमा मालिनी इससे पहले भी मथुरा में सफाई अभियान के दौरान ट्रोल हो चुकी हैं। तब उनके हाथ में उनसे भी बड़ा झाड़ू था जिसका लोगों ने खूब मजाक उड़ाया था। चलिए, अब धर्मेंद्र ने तो अपनी गलती के लिए हेमा से माफी मांग ली। उम्मीद कर सकते हैं कि अब हेमा का गुस्सा शांत ही हो गया होगा। रही बात ट्रोलर्स की, तो जानी मानी हस्तियों का ट्रोल होना कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो उनको भी इसकी आदत हो ही गई होगी।